नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के प्रमुख बिंदु। हम सब जानते हैं 4 जून को जो परिणाम आए हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व है। देशवासियों ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और एनडीए तथा भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व हम लोगों को दिया है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सर्जित होते हैं और किसान देश के अन्न भंडार भर रहा है। कृषि और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है। कार्यभार संभालते ही लगातार 4 दिन में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही सुबह से लेकर देर रात तक रहा हूं और सारी चीजों का गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने का दायित्व हर विभाग को सौंपा था, हमने उस कार्य योजना की समीक्षा की और उसको जल्द हम जारी करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल में कृषि और किसान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उन्होंने उठाए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि की फाइल पर किए। उनका सबसे पहले कार्यक्रम भी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आयोजित हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है। 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी, किसानों की सहायता के लिए हमने कई बहनों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है, ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को, खेती को सहयोग कर सके। ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। कृषि सखियों में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, जो हर काम को बहुत गंभीरता के साथ करती हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण जिनने पूरा किया है सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से 5 बहनों को वहाँ दिए जाएंगे, लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और इस सर्टिफिकेट के बाद वो विभिन्न कामों में किसानों को सहयोग करके लगभग 60,000 से लेकर 80,000 रुपया अतिरिक्त रूप से साल में कमा सकेंगी, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।